हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है माफी के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारे मन में काफी सारे इफ एंड बट्स चल रहे होंगे। क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला है, ऑब्वियसली सबको पता है कि ऐसा फॉल हमें क्यों देखने को मिला है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए और आगे अब मार्केट कहां तक कैसे जाएगी, किस साइड में जाएगी। तो हमारे मन में काफी सारे सवाल उठने वाले हैं, तो हम उन्हीं सवालों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। बट जो मार्केट की आज के दिन की नीयत बता रही है, उस तरीके से हम उस नजरिए को ध्यान में रखते हुए एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर दोनों पॉइंट्स को स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ होने वाली कल के दिन क्रोनेक्स लैब साइंस की आईपीओ की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन, उसे भी स्टडी आउट करेंगे। तो सबसे पहले ना एक बार क्रोनेक्स आईपीओ को ही देख लेते हैं, क्योंकि पहले दो चार ये पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम मार्केट को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, देखो ऑब्वियसली यहां पर मार्केट का मूड माहौल काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, तो ऐसे में बीइंग ए डिफेंसिव होकर अगर मैं बात करूं तो मैं इसको सिंपल और सिंपली रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करता। बट क्योंकि जहां पर मैं इस आईपीओ को अग्रेसिवली होकर अप्लाई करने वाला हूं और मैं इसको बिग एचएनआई की कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं, ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है। क्या इस आईपीओ में अब हमें उतनी उम्मीद रही? क्या हमें ये उतना ही लिस्टिंग गेन दे सकता है 50% के ऊपर का? आज के टाइम को देखते हुए अगर आगे आने वाले दिनों में भी मार्केट में हमें कंटिन्यूसली दिक्कत देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसीलिए ही अगर हम अग्रेसिव है तो हम बेशक इसे एचएनआई कैटेगरी में जाकर स्टडी आउट कर सकते हैं, और अगर हम डिफेंसिव है तो रिटेल कैटेगरी में इसको स्टडी आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाना पड़ेगा। बट बिग एचएनआई कैटेगरी में हमें मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। लाइक कि अगर यहाँ पर 100x का भी सब्सक्रिप्शन चला जाता है, तो वहां पर 20 में से किसी एक को जो आईपीओ अलॉट हो जाएगा, उसे 2 लाख तक का माल मिल जाएगा। बाकी अदर कैटेगरीज में, चाहे स्मॉल एचएनआई में चाहे रिटेल कैटेगरी में, जितने गुना ओवर सब्सक्राइब होगा उतने में से ही किसी एक को वो आईपीओ अलॉट होने वाला है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो था इसमें मेरा पर्सनल डिसीजन जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज स्टडी आउट कर दिया है। अब रही बात हमारे एसएमई आईपीओ जिसकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, जो था जेडटेक इंडिया। क्या इसकी लिस्टिंग पे इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली यस, जहां पर काफी हाई चांसेस है कि हमें इसकी लिस्टिंग पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पर्सनली मुझे जहां पर ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो जैसा कि हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूं, फिर चाहे वो वहां से डबल हो ट्रिपल हो आधा रह जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग है लेना, मैंने लिया, बात खत्म हुई। मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं वहां से एक बार के लिए निकल जाता हूं। क्योंकि एसएमई आईपीओ में हमें जनरली सर्किट देखने को मिलते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कन्फर्म है? कोई कन्फर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट लोअर सर्किट में हमें वहीं पर दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, और वहां पर जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा तब तक हमारा एग्जिट नहीं हो पाता। बस इसीलिए मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूं और मैं वहां से इमीडिएट एग्जिट होने का प्रोग्राम कर देता हूं। बट ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस करी है। अगर आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो आई होप कि यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग ही हमें देखने को मिले। बट फिर भी कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। आज के दिन का FIA और DI डाटा की बात करते हैं, तो DIs ने 1900 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर FIs ने 6850 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर काफी मेजर फिगर होने वाला है। अब हम सिंपल चलते सीधा हमारी मार्केट में और वहां पर हमारे सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हैं। तो ना सबसे पहले एक तो हमारे पास होता है ट्रेडर का माइंडसेट, जिसे बस ट्रेडिंग करनी है, हमें लॉन्ग टर्म से कोई मतलब नहीं होता। दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट का मोटो, कि हमारा तो टाइम पीरियड है 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। जनरली जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है तो हम वहां पर या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में। अगर आपको म्यूचुअल फंड में हमारी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जहाँ आप लोग चाहते हो कि बींग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ना इन दोनों को माइंडसेट को हम समझने की कोशिश करते हैं।
जिस तरीके से मार्केट में फॉल आया, देखो क्यों आया, कैसे आया, जो हो चुका हो गया, हम उसमें बात नहीं करेंगे। हमें बात करनी है अब आगे क्या करना है। देखो अगर हमारी ट्रेडिंग की पोजीशन थी, अगर हमारे वहां पर स्टॉप लॉस हिट होते तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और स्पेशली डिस्कशन करी थी। अगर 23,000 का लेवल कल आज के दिन कटता है तो हमें वहां पर एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि वहां से एक मेजर मूव हमें नीचे की साइड की देखने को मिल सकते हैं। बट एनीवे अगर हमारा एग्जिट नहीं हुआ है तो वहां पर जो हमारी 200 की मूविंग एवरेज है आज के टाइम पर होने वाले 21,250 के पास की, आप राउंड ऑफ में 21,000 का लेवल लेके चलिएगा। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, अगर वो लेवल कटा, अगर हमारी पोजीशंस है जो हमने एग्जिट नहीं की है और हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, तो वहां पर अगर ये लेवल कटता है तो वहां पर हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अदरवाइज इस लेवल को काटने के बाद अगर हम अभी तक होल्ड है तो हमें इस लेवल पर एक एज ए ट्रेलिंग लेवल मानते हुए, एक फाइनल डू और डाई एंड स्टॉप लॉस मानते हुए, हमें वहां पर थोड़ा सा होल्ड करते हुए अगर हमारे वहां पर बाउंस देखने को मिलते हैं तो वहां पर हमारी पोजीशंस को कंट्रोल करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये लेवल हमारा कट हो और इमीडिएट हमें वहां से बूम बूम देखने को हो जाए? होने को कुछ भी हो सकता है, बट अगर 21,000 का लेवल भी कटता है तो हमें वहां पर और भी ज्यादा नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है और मार्केट का मूव काफी ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो एज पर प्राइस वॉल्यूम एक्शन, एज पर टेक्निकल लेवल्स, मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ कि अब अगर हमें थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग करनी है तो वहां पर हमें हमारी क्वांटिटीज को कंट्रोल में करते हुए काम करना पड़ेगा, स्पेशली एक दो वीक्स के लिए, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती है। और जब भी ये मार्केट ऐसी सिचुएशन में जाती है तो वहां पर थोड़े सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा काम करेंगे कि कोई मिनिस्टर ये बोल रहा है, किसी मिनिस्टर को ये डिपार्टमेंट दिया जा रहा है, तो ऐसे काफी सारे वहां पर मार्केट के ऊपर वोलेटिलिटी वाला इफेक्ट डालेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स में हमें थोड़ी सी हमारी क्वांटिटीज को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। मार्केट में सबसे ज्यादा दिक्कतें हमें तभी देखने को मिलेगी जब मार्केट अपनी 200 की मूविंग के एवरेज के नीचे जाकर क्लोजिंग देनी शुरू कर देगा, और वहां पर अगर हमें दो क्लोजिंग दे दी तो हमें समझना चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा हमें थोड़ी सी कोशिशनेस की ज्यादा जरूरत होने वाली है। बाय द वे अगर हम एज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बात करते हैं तो वहां पर तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारा टाइम पीरियड होता है लॉन्ग टर्म का। बट अगर हम स्पेशली डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर हमारा वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और वो स्टॉक हमारा फंडामेंटली साउंड नहीं है तो हमें वहां पर थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली साउंड है तो वहां पर हमें बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट देखने को मिले, बट उम्मीद रहती है 100% मिलेगा कोई कंफर्म नहीं है। इसलिए हमें हमारे पोर्टफोलियो में हमारी जितनी भी अमाउंट होती है उसे थोड़ा थोड़ा करके हर स्टॉक में लगाना चाहिए। अगर हम म्यूचुअल फंड वगैरह की बात करते हैं, जो ये हमें डिप्स देखने को मिलेंगी वहां पर हमें एडिशनल मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के। जैसे कि अगर हम आज भी चाहे तो एक एडिशनल SIP टॉप अप मार सकते थे हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, तो वो हमारे लिए एक अच्छा मौका होता है। जब हमारा टाइम पीरियड 5 साल 10 साल चला जाता है फिर हमें दिक्कत की बात नहीं होती, और ऐसे मौके अगर जब भी हमें मिलते तो हमें वहां पर एडिशनल टॉप अप करना चाहिए। अगर और भी ज्यादा मार्केट नीचे जाती तो वहां पर हमें एडिशनल टॉप अप वहां पर करते रहना चाहिए। अब मान लो कि मेरे पास 1,00,000 रुपए, क्या मैं 1,00,000 रुपया मुझे एडिशनल डालना है म्यूचुअल फंड में तो क्या अभी के अभी इमीडिएट इसी बेसिस पर डाल दूं कि आज के दिन का? नहीं, वहां पर हमें हमारी कुछ परसेंटेज करके, जैसे कि 20,000 आज के दिन पे डाल दिया, अगर और ज्यादा फॉल आता है तो वहां पर 20,000 और डाल दिया, तो ऐसे करके हमें पार्शली वहां पर धीरे धीरे करके वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। और अगर हमारी SIP चल रही है तो वहां पर तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें उसको बंद नहीं करना है, ना ही हमें वहां पर उसको रिडीम करना है अगर हमारा टाइम पीरियड 3 ईयर 5 ईयर का होने वाला है। तो आई होप कि हमने यहाँ पर काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे जो भी हमारे मन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पर हमारे मन में काफी ज्यादा पैनिक आता है। बाय द वे अगर हम मार्केट की टेक्निकल्स लेवल की बात करते हैं, ऑब्वियसली जैसा कि हमने कल भी बात किया था कि अब कुछ दिनों तक टेक्निकल्स लेवल काम नहीं करेंगे, लेवल्स वहां पर काम नहीं करेंगे, बट फिर भी हमने लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर काम करना है तो हमें हमारे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब अगर हम कल के लिए बात करते हैं, देखो फिर भी हमारे लिए कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला लेवल 22,225 का, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है इमीडिएट बेसिस पर। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, ऑब्वियसली 21,250 हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहने वाली है।
अगर हो सके तो अभी कल के लिए स्पेशली थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग को अवॉइड कीजिएगा। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। आई नो कि आज के दिन अच्छा खासा दिन था पैसे कमाने का, और अगर जिन्होंने स्टार्टिंग में 23,000 के पास पुट ले ली होगी, हमने जो लेवल डिस्कस किया था ये वाला कि वहां पर अगर ये लेवल टूटा तो हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है, तो वहां पर उनका पैसा कई गुना हुआ है। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर किसी ने ये मूव पकड़ भी ली तो क्या वो इतना सारा गेन जो भी इनको हुआ वो इस टाइम तक लेके आने में कामयाब रहे हैं, ये हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्योंकि आई नो कि अगर 10 लोगों ने ये मूव पकड़ी है, 10 लोग स्टार्टिंग में प्रॉफिट में आ चुके थे, तो वहां पर 7 से 8 लोग ऐसे होंगे जिनका प्रॉफिट ग्लोस में बदल चुका होगा क्लोजिंग होते होते। ये हमारे पास काफी सारी इमोशंस की गेम चलती है, काफी सारी साइकोलॉजिकल गेम में चलती है, वो हमें टाइम के साथ ही धीरे धीरे वहां पर सीखने को मिलता रहेगा। बाय द वे, अगर हमने कहीं पर भी काम करना है और हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमने जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।